हेलो दोस्तों, मैं जगमाल स्वामी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी में। ठीक है दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि लुईस पाश्चर के बारे में है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लुईस पाश्चर की स्टोरी। ठीक है, लुईस पाश्चर अपने जीवन की स्टोरी अपनी पत्नी के माध्यम से कहते थे, और वो कहते थे कि वो मेरे घर पर सहती है। ठीक है, कहते थे वो मेरे घर पर सहती है। तो ठीक है, तो देखो दोस्तों, वो यानी वैक्सीन, ठीक है, मेरे यानी यहां से कहते हैं और माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है, घर पर। ठीक है दोस्तों, वैक्सीन एंड माइक्रोबायोलॉजी के तो ये फादर थे, और इन्होंने एक ही थ्योरी दी थी, वो थी जर्म थ्योरी। ठीक है, इन्होंने दो टेक्निक दी थी, फर्स्ट पास्चराइजेशन, ठीक है, एंड स्टरलाइजेशन। तो देखो दोस्तों, देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड वैक्सीन के तो ये फादर थे, ठीक है, और इन्होंने दी थी एक थ्योरी दी थी, वो थी जर्म थ्योरी, ठीक है, और इन्होंने दो दी थी टेक्निक, पास्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ वैक्सीन एंड एक इससे सिमिलर वर्ड है वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन आर डिफरेंट वर्ड। ठीक है, तो वैक्सीन के फादर हो गए लुईस पाश्चर, ठीक है, पाश्चर, ठीक है, एंड वैक्सीनेशन के फादर हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, दोस्तों, ये होगी लुईस पाश्चर की स्टोरी। ठीक है, यानी फादर ऑफ वैक्सीन एंड माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर, एंड इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था जर्म थ्योरी, और इन्होंने दो टेक्निक दी थी, ठीक है, टेक्निक है पास्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और वैक्सीन के नेशन के फादर थे एडवर्ड जेनर, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी काउ फॉक्स से। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, ठीक है, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।